अरे अंकल रिक्शे में एसी एसी से लगा के घूमो जरा। अरे आप जैसे बड़े लोग के वजह से क्या मैं अभी रिक्शे में एसी लगा दूं? अच्छा कोई गाना तो बजाओ यार। कौन सा गाना बजाओ? अरे कोई सा भी गाना बजाओ ना, गाना नहीं बजाने में क्या है। अच्छा ठीक है बजाओ। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है दुनिया है। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया, तेरे मैडनेस ने मुझे डीट कर दिया। तू है संटा तेरा मैं तो हैंडल करूं, हर टंटा तेरा अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा अंकल अंकल स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरे को लगा साइड में लगाओ ना जरा। हेलो हेलो, हाँ भाई, अरे मैं रिक्शे में था ना यार, हाँ इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं यार सुपर रहेगी ये, अभी अब बागी थ्री की अपन शूट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे एकदम धूम मचा देगी, अभी तो मैं लश्करिया के पास हूँ अपने बिल्डिंग के पास। अरे हाँ भाई, बस बागी थ्री अपन शूट करेंगे जब ही ना। हाँ हाँ, अरे एकदम धूम मचा देगी। हाँ हाँ बस, नहीं मैं तो अभी लश्करिया के पास हूँ अपनी कार के पास। अरे हाँ भाई एकदम हिट जाएगी, सुपर हिट, रिएक्शन होना चाहिए अच्छा। अरे भाई तू टेंशन मत ले यार, एकदम परफेक्ट होएगी, एकदम सुपर हिट फिल्म। हेलो हेलो, हाँ अरे भाई एकदम हिट। हाँ भाई कौन सी फिल्म का डायलॉग सुनोगे? अच्छा हीरोपंथी का। हाँ हाँ कौन सा? अच्छा हाँ 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 हाँ, इतनी ज़्यादा पसंद आई, कौन सा डायलॉग? अच्छा अच्छा, सबको आती नहीं और मेरी चाहती नहीं क्या? ओके ठीक है ठीक। और कौन सा? अरे यार पापा को छोड़ो ना, मेरे बारे में सोचो ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके बारे में तो सोचो। हाँ कैसा लगा? हाँ बस बागी थ्री के लिए शूट करने वाले हैं अभी। ठीक है, अच्छा अच्छा कॉल आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ ओके बाय। अभी खाने के लिए पैसे मांग रहा था। ऐसे है ये जो जैसे दिख रहा है बिल्कुल हट्टा कट्टा, तो शिक्षा भीख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है। क्या करूं भाई, दो दिन पहले गांव से आया था, पर्स बटुआ गायब, सब गायब हो गया, पर मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ और घर पे मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप? हाँ भाई। हाँ किसको ढूंढने आए यहाँ पे? यहाँ पे मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने आया। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? बड़े भाई के पास जाना चाहिए था ना। भाई मेरा पर्स चोरी हो गया था ना, क्या करूँ, दो दिन से भूखा था, कुछ खाया नहीं। आप अच्छे आदमी दिखे इसलिए आपसे मैं मांग रहा हूँ। बता बता है उसका कुछ एड्रेस वगैरह? भाई एड्रेस मोबाइल पैसे नहीं। लाओ जरा मुझे बताओ एड्रेस दो। लश्करिया एयरपोर्ट, जुगेश्वरी वेस्ट। एयरपोर्ट? यहाँ पर तो एयरपोर्ट है नहीं, एड्रेस गलत है।
उसको मैंने जरूरी काम से बाहर भेजा हुआ हूँ, तो उसको आने में अभी 6-7 महीना लग जाएगा। हाँ तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से गांव जाओ, वो जैसे ही आएगा ना वैसे ही मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, ले लो ये ले लो, बैग भी ले लो। चल इसे झुके सर ही छोड़ देना, ये लो पैसे। नहीं भाई, नहीं भाई पैसे नहीं चाहिए। अरे नहीं, मैं तुम्हारे बड़े भाई की जैसा हूँ ना। अरे भाई ये लो रख लो, जाओ अंकल जाओ। ठीक है भाई, माँ बाप का अपनी ख्याल रखना। हाँ भाई ओके भाई। चलो निकालो रिक्शा। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, आजकल के लड़के लोग लड़की की वजह से अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। एक लड़की आई तो माँ बाप कुछ भी नहीं, मतलब लड़की सब कुछ है, उन लोग ने इतने बड़े से पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं को भूल जाने का सोचो आप लोग इस बारे में। और हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। जय हिंद। Thank you.